नमस्कार, मैं प्रिया। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। जेईई मेन के टॉपर लिस्ट में बिहार के वैभव को मिली जगह। बिहार में आए कोरोना के 10 से ज्यादा मामले। बाल संरक्षण आयोग ने सभी स्कूलों को जारी किया आदेश। बिहार बोर्ड में होगी स्मार्ट क्लास में अब संस्कृत और उर्दू की पढ़ाई। पंचायत चुनाव के तुरंत बाद नगर निकायों के चुनाव की शुरू होगी तैयारी। अब चले बढ़ते हैं बिहार की शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में आए कोरोना के 10 से ज्यादा मामले। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 12 मामलों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 73 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो भोजपुर में एक, ईस्ट चंपारण में एक, जहानाबाद में एक, मधुबनी में एक, मुंगेर में एक, पटना में 5 मामले की पुष्टि हुई है। इसके अलावा भागलपुर, मधेपुरा, पूर्णिया, रोहतास, वैशाली, अररिया, अरवल, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, बक्सर, दरभंगा, गया, गोपालगंज, जमुई, कैमूर, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, लखीसराय, मधेपुरा, नालंदा, नवादा, सहरसा, समस्तीपुर, सारण, शेखपुरा, शिवहर, सीतामढ़ी, सिवान, सुपौल, वेस्ट चंपारण में एक भी मामले की पुष्टि नहीं हुई है। इसके साथ ही बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 1,44,835 सैंपल की जांच हुई। वहीं 15 लोग ठीक होकर घर वापस लौटे हैं। बाल संरक्षण आयोग ने सभी स्कूलों को जारी किया आदेश। कोरोना के जारी माहौल के बीच भले ही बिहार में मामलों में कमी देखने को मिल रही हो, लेकिन बिहार के सीमांचल इलाके में बच्चों में वायरल फीवर के बढ़ रहे मामले अभी भी चिंता का विषय है। इसी बीच कोरोना के मामलों में आ रही कमी को ध्यान में रखते हुए बिहार के अधिकतर स्कूल को खोलने का आदेश जारी किया गया है। लेकिन इन सबके बीच अब बाल संरक्षण आयोग ने सभी स्कूलों के नाम एक फरमान जारी किया है, जिसके तहत बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि ऑफलाइन कक्षा के साथ स्कूलों को बच्चों के लिए ऑनलाइन माध्यम से भी शिक्षा की व्यवस्था करनी होगी। इस संबंध में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखा गया है। प्रमोशन में रिजर्वेशन के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब। प्रमोशन में रिजर्वेशन के मामले को लेकर के बीते दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। हालांकि यह सुनवाई विभिन्न राज्यों को लेकर हुई, जिसमें बिहार का नाम भी शामिल है। वहीं इस मामले पर सुनवाई करते हुए कहा गया कि वो प्रोन्नति में एससी एसटी को आरक्षण की अनुमति देने वाले अपने फैसले पर दोबारा सुनवाई नहीं करेगा, क्योंकि राज्यों को यह निर्णय करना है कि वो कैसे इसे लागू करेंगे, जिसके बाद अब कोर्ट आगे इस पर निर्णय लेगी। और आगे अब कोर्ट ने निर्णय दिया है कि उन मुद्दों की पहचान करे जो उनके लिए अनूठे हैं और 2 सप्ताह में ऐसे मामलों की जानकारी दे। इसी के साथ ही मामलों की सुनवाई 5 अक्टूबर तक स्थगित कर दी गई है। ज्ञात हो बिहार में सभी स्तर के सरकारी कर्मियों का प्रमोशन 2019 से रुका पड़ा है। राज्य सरकार का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का इस पर अंतिम फैसला आने के बाद ही प्रोन्नति की प्रक्रिया हो पाएगी। जेईई मेन के टॉपर लिस्ट में बिहार के वैभव को मिली जगह। इंजीनियरिंग कॉलेज में नामांकन के लिए ली जाने वाली प्रवेश परीक्षा जेईई मेन का रिजल्ट आधी रात को जारी किया गया, जिसमें जेईई मेन की परीक्षा में कुल मिलाकर 44 छात्र ऐसे रहे जिन्होंने 100% हासिल किया है। हालांकि बिहार के लिए गौरवान्वित करने वाली बात इसीलिए है क्योंकि जारी किए गए रिजल्ट में कुल मिलाकर के 18 छात्रों को पहली रैंकिंग मिली है, जिसमें बिहार के वैभव का नाम भी शामिल है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने बीती रात रिजल्ट जारी की है, जानकारी साझा की है। इस बार कोरोना के कारण परीक्षा को 4 बार में आयोजित करवाया गया था। बिहार बोर्ड में होगी स्मार्ट क्लास में अब संस्कृत और उर्दू की पढ़ाई। बिहार को स्मार्ट बनाने की कवायद सरकार लगातार कर रही है। इन सब के बीच बिहार बोर्ड में पढ़ाई को लेकर भी लगातार सवाल उठाए जाते रहे हैं। हालांकि अब बिहार बोर्ड भी बच्चों को स्मार्ट क्लास की सुविधा दे रहा है। इतना ही नहीं, अब जो जानकारी निकल करके सामने आई है उसके अनुसार अब बच्चों को बिहार बोर्ड 2 नए विषय यानी कि संस्कृत और उर्दू की पढ़ाई भी तकनीक के माध्यम से करवाने वाला है, जिसके तहत बिहार बोर्ड ने साफ कर दिया है कि अब स्मार्ट क्लास में संस्कृत और उर्दू की पढ़ाई होगी। इसके लिए चैप्टर तैयार कर लिया गया है। मैट्रिक 2022 की परीक्षाओं को सुविधा देने के लिए बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा पाठ तैयार किया गया है। मैट्रिक में द्वितीय भारतीय भाषा के तौर पर संस्कृत और उर्दू की पढ़ाई होती है। अभी तक स्मार्ट क्लास में इन दोनों विषयों की पढ़ाई नहीं हो रही थी। बिहार में 138 सहायक अंकेक्षण पदाधिकारियों की होगी नियुक्ति। नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अहम सूचना। बीपीएससी जल्द ही बिहार में 138 सहायक अंकेक्षण पदाधिकारी की नियुक्ति करने वाला है। इस बाबत वित्त विभाग ने बिहार लोक सेवा आयोग को प्रस्ताव भेजने का काम जारी कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार ये अधिकारी अंकेक्षण प्रक्रिया की मॉनिटरिंग करेंगे। इनके लिए गणित, सांख्यिकी, अर्थशास्त्र और वाणिज्य में स्नातक की योग्यता रखी गई है। वहीं चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी और प्रबंधन में स्नातकोत्तर को प्राथमिकता दी जाएगी। हालांकि इससे पहले राज्य लोक सेवा आयोग 370 अंकेक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर चुका है। जानकारों की माने तो दोनों पदों पर नियुक्ति हो जाने के बाद राज्य के वित्त विभाग में 500 से अधिक अंकेक्षक हो जाएंगे। वोटिंग से पहले पंचायत चुनाव में निर्विरोध चुने
चुने गए 858 उम्मीदवार। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर लगातार तैयारियां की जा रही हैं। इन सबके बीच एक और अहम जानकारी निकल करके सामने आई है, जिसके तहत नामांकन के बीच ही पंचायत चुनाव में निर्विरोध 858 उम्मीदवार चुने गए हैं। जी हां, आपने सही सुना, राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से निकल कर आई जानकारी के अनुसार पहले चरण में जिन पंचायतों में चुनाव होने हैं उनमें से 858 उम्मीदवार निर्विरोध विजय घोषित कर दिए गए हैं। वहीं ग्राम कचहरी पंच के 71 और ग्राम पंचायत सदस्य के एक पद पर किसी ने पर्चा ही नहीं भरा। ऐसे में इन 72 पदों पर आयोग को नए सिरे से चुनाव कराना होगा। आयोग की माने तो 13 सितंबर को नाम वापसी का समय सीमा समाप्त होने के बाद अंतिम रूप से होने वाले पंचायत चुनाव को राज्य निर्वाचन आयोग ने आंकड़ा जारी कर दिया है, जिसके अनुसार 4985 लोगों ने चुनाव में अपना नाम वापस लिया है। हैरान करने वाली बात यह है कि सबसे ज्यादा गया जिले के बेलगंज प्रखंड में सर्वाधिक 127 जनप्रतिनिधि निर्विरोध चुने गए हैं। बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय बहाली में हो रही देरी से अभ्यर्थी परेशान। बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय बहाली पिछले 7 सालों से अटकी पड़ी है। बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय बहाली की इस चाल को देखकर अब अभ्यर्थी भी काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। इसको लेकर परीक्षार्थियों द्वारा कई बार बीएसएससी ऑफिस के बाहर आंदोलन किया गया, लेकिन आयोग असंवेदनशील बनी हुई है और इसके साथ ही छात्रों के साथ लगातार अन्याय कर रही है। इतना ही नहीं, प्रथम इंटर स्तरीय बहाली की पीटी परीक्षा पहली बार 29 जनवरी 2017 से फरवरी 2017 तक 4 चरणों में होनी थी, लेकिन पेपर लीक के कारण उग्र छात्र आंदोलन के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई। बीएसएससी द्वारा इस संबंध में सुस्त रवैया अपनाई जा रही है और सही से सूचना नहीं दी जा रही है। उल्टे परीक्षार्थियों को आंदोलन नहीं करने की चेतावनी और धमकी भी दी जा रही है। पंचायत चुनाव के तुरंत बाद नगर निकायों के चुनाव की शुरू होगी तैयारी। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां जारी हैं। हालांकि ईवीएम और कोरोना की दूसरी लहर के कारण चुनाव का आयोजन देरी से हो रहा है, लेकिन अब चुनावी प्रक्रिया शुरू हो गई है और 2 चरणों के नामांकन की प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही आज 3रे चरण के नामांकन की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। इन सबके बीच अब नगर निकाय चुनाव को लेकर बड़ी जानकारी करके सामने आई है, जिसके तहत बिहार के सभी नए और पुराने 259 शहरी निकायों में पंचायत चुनाव के ठीक बाद से ही चुनाव कराने की तैयारी है। बताया जा रहा है कि अगले साल अप्रैल मई में एक साथ चुनाव हो सकते हैं। फिलहाल 3 नगर निकायों का कार्यकाल पूरा हो गया है। बिहार में चक्रवात के कारण बदले फ्लाइट के रूट। बिहार में बीते 2 दिनों से तेज हवा का प्रवाह देखने को मिल रहा है। ऐसे में अब बिहार के विमानों पर इसका असर देखने को मिलने लगा है। यही कारण है कि चक्रवात को ध्यान में रखते हुए पटना में खराब मौसम के कारण 2 फ्लाइट को डाइवर्ट करना पड़ा। इसके साथ ही मौसम खराब होने के कारण बेंगलुरु से पटना आ रही निजी विमान कंपनी की एक फ्लाइट को डाइवर्ट करके पटना एयरपोर्ट पर खराब मौसम के कारण वाराणसी एयरपोर्ट पर लैंड करवाना पड़ा। बाद में मौसम ठीक होने पर इसे वापस पटना एयरपोर्ट पर लाया गया। इसके बाद पटना से यात्रियों को बेंगलुरु के लिए रवाना किया गया। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि देश के कई राज्यों में बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात का भारी असर देखने को मिल रहा है। बिहार में भी चक्रवात के कारण बारिश की संभावना है। राज्यपाल कोटे से मनोनीत किए गए 12 एमएलसी के मनोनयन का फैसला अब हाई कोर्ट के हाथ में। राज्यपाल कोटे से मनोनीत किए गए 12 एमएलसी के मनोनयन को लेकर हाल ही में पटना हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसके बाद अब हाई कोर्ट ने अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया है। जिसके बाद अब मुख्य न्यायाधीश कोर्ट क्या फैसला देगा, इसको लेकर बिहार सरकार के उन माननीयों की चिंता बढ़ गई है जिनके नाम इन 12 एमएलसी की सूची में शामिल है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, उक्त मामले में दायर याचिका में कहा गया है कि भारत का संविधान साहित्य, कलाकार, वैज्ञानिक, सामाजिक कार्यकर्ता और कॉर्पोरेटिव मूवमेंट से जुड़ा है, लोगों को मनोनीत करने की इजाजत देता है, लेकिन जिन 12 लोगों को एमएलसी मनोनीत किया गया है वो बहुमत बढ़ाने और जो लोग एमएलए नहीं बन पाए हैं उन्हें एडजस्ट करने के लिए मनोनीत किया गया है, जो कि संविधान के विभिन्न प्रावधानों का उल्लंघन। बिहार में छिन सकती है 3 बड़े ब्रिज प्रोजेक्ट। बिहार से 3 बड़े ब्रिज प्रोजेक्ट छीनने की जानकारी सामने आई है। मिली जानकारी के अनुसार एनएचएआई के लेट लतीफी के कारण यह फैसला लिया जा सकता है, क्योंकि किसी सड़क के निर्माण को लेकर 5 वर्ष का समय काफी होता है, पर यहां निर्माण तो दूर, 5 वर्षों में सड़क के निर्माण को लेकर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट भी तैयार नहीं की गई है। ऐसे में उमगांव, महिषी और चोरमा बैरंगिया, इसके साथ ही साथ दीघा सोनपुर पुल, उमगांव महिषी सड़क का प्रोजेक्ट बिहार के हाथ से जा सकता है, क्योंकि इन सड़कों के डीपीआर बनाने की जिम्मेदारी एनएचएआई के पास थी, लेकिन अब तक काम पूरा नहीं हो पाया है। बिहार कांग्रेस की जिम्मेदारी मिल सकती है लोकसभा की पूर्व स्पीकर को। बिहार कांग्रेस इन दिनों वर्चस्व की लड़ाई का सामना कर रही है। हालांकि आगामी चुनाव से पहले कांग्रेस अपनी स्थिति हर राज्य में सुदृढ़ करने की कोशिश कर रही है। यही कारण है कि बिहार में भी कांग्रेस की यही
पहल देखी जा रही है, जिसके तहत कांग्रेस लगातार बिहार कांग्रेस की जिम्मेदारी किसी विश्वसनीय हाथों में देने की कोशिश में लगी है, जिसमें अब एक नाम लोकसभा की पूर्व स्पीकर मीरा कुमार का सामने आ रहा है। मिली जानकारी के अनुसार लोकसभा की पूर्व स्पीकर मीरा कुमार को पार्टी आलाकमान जल्द ही कोई बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है और प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंप दी जा सकती है। मीरा कुमार बिहार के सासाराम से कई बार सांसद भी चुनी जा चुकी है, साथ ही लोकसभा अध्यक्ष भी रह चुकी है। लालू के लाल धोखाधड़ी के हुए शिकार लालू प्रसाद यादव के बड़े लाल तेज प्रताप यादव अपने बयानों के कारण अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं। सबके बीच एक बार फिर से तेज प्रताप की चर्चा शुरू हो गई है। हालांकि इस बार चर्चा का विषय उनका कोई बयान नहीं बल्कि उनके साथ हुआ धोखाधड़ी का मामला है, जिसमें उनकी मुश्किलें बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार तेज प्रताप यादव ने अपनी अगरबत्ती कंपनी एलआर राधाकृष्ण में काम करने वाले कर्मी आशीष रंजन के खिलाफ एसके पुरी थाने की पुलिस से शिकायत की है। उनका आरोप है कि जिस 71,000 रुपए को कंपनी के खाते में जाना था उसे आशीष ने अपने खाते में धोखे से मंगवा लिया है। उन्होंने कानूनी कार्रवाई की मांग की है। आईसीसी ने जारी की विमेन ओडीआई रैंकिंग। आईसीसी ने हाल ही में विमेन ओडीआई रैंकिंग जारी की है। इसमें भारतीय कप्तान मिताली राज के साथ संयुक्त रूप से शीर्ष पर पहुंच गई लिजेल ली ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे में नाबाद 91 रन बनाए। मिताली ने अपना नंबर एक स्थान कायम रखा है और अब वो ली के साथ संयुक्त रूप से शीर्ष पर आ गई हैं। दोनों बल्लेबाजों ने 762 रेटिंग अंक प्राप्त किए हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया की एलिसा हीली तीसरे स्थान पर है। भारत की बात करें तो भारत की तरफ से सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना 9वें स्थान के साथ शीर्ष 10 में शामिल है। जून 2018 में पहली बार बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने के बाद इस साल मार्च में भी नंबर एक बल्लेबाज बनी थी और ली ने दूसरे मैच में 18 रन बनाए थे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, बच्चों में हो रहे वायरल फीवर को ध्यान में रखते हुए क्या छोटे बच्चों के स्कूल को फिर से बंद कर देना चाहिए या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।